मुशाहिद उल्लाह फरमाते हैं कि नवाज शरीफ को इस बात की सज़ा मिल रही है कि वो मुल्क को सिरात मुस्तकीम पर चला रहे थे। अब उनके सिरात मुस्तकीम की मिसालें ये हैं कि 3 जनवरी 2019 को उन्होंने सेनेट की कमेटी के अंदर बैठ के ये कहा कि PIA के जो लोग जिनको जाली डिग्रीज के मामलों में निकाल दिया गया उनके साथ ज्यादती की गई। फरमाते हैं ये 3 जनवरी की खबरें, अगर मुमकिन हो तो स्क्रीन पर चला दीजिए। PIA के मामले में कमेटी चेयरपर्सन मुशाहिद उल्लाह खान सेड द इशू ऑफ फेक डिग्रीज सीरियस एंड रादर देन डिप्राइविंग पीपल ऑफ द जॉब्स द सैलरी शुड बी रिड्यूस्ड। ये वो कप्तान है, पायलट है PIA के, जो कि जाली डिग्रियों के ऊपर नौकरियां हैं और वो जहाज उड़ा रहे हैं। मुशाहिद उल्लाह साहब कहते हैं कि इनको मत निकालो भाई, इनकी तनख्वाहें थोड़ी कम कर दो यार। मुशाहिद उल्लाह साहब, आपको शायद अंदाज़ा ना हो लेकिन ये हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। हवाई जहाज माना कि डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली, ये भी माजी के सियासतदान का बड़ा मशहूर जुमला है। बात यह है मुशाहिद साहब, ये वो फिर एक काम करना, आपने अगर कभी इलाज कराना हो तो जाली डिग्री वाले डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? ये भागे भागे लंदन क्यों जाते हैं आपके लीडरान? सिरात मुस्तकीम का मामला है ना भैया। अगर ये पायलट जाली डिग्री के आप समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुए, पर तनख्वाह कम कर दो क्योंकि उन्हें जाली डिग्री दी थी। पायलट है ये, अगर कोई पर्सर हो, कोई स्टूवर्ड हो, कोई चेक इन काउंटर वाला बंदा हो, कोई टिकट बेचने वाला हो, मैं फिर भी कहूँगा चाहिए चलो जाली डिग्री से इतनी बड़ी बात नहीं, उसने बेईमानी की है, उसकी उसको पिनलाइज कर दो। पायलट कैसे जाली डिग्री वाला रख सकते हैं यार आप? एक तो उसकी नीयत, उसके बाद माशाल्लाह अल्लाह रहम करे भाई उसकी कैपेबिलिटी। मुशाहिद साहब ने आज फिर ये फरमाया है कि PIA इंतजामिया ने चीफ जस्टिस के अहकाम की गलत तशरीह करके मुलाजमीन का रोजगार छीना है। जाली डिग्रियों की बुनियाद पर मुलाजमीन फारिग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PIA इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होनी चाहिए। PIA जिसका आलम यह है कि कोई जहाज टाइम पर नहीं चलता, जहाज टूट फूट गए हैं, बुरा हाल है, बेड़ा गरक एयरलाइन का हो चुका है, नाम में अलग बदनामी है। और मुशाहिद उल्लाह साहब कहते हैं कि जहाँ जो लोग बेईमानी करके वहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको उनकी रोज़गार ना छीनी जाए। सही बात है मुशाहिद उल्लाह साहब, उनकी रोज़गार छीनी जाए जो बेचारे मेहनत करके हक हलाल की नौकरियाँ करके धक्के खा के डिग्रियाँ हासिल करके नौकरियाँ हासिल करने जाते हैं, उनके लिए नहीं है। ना 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 ना, ना। क्योंकि आपके यहाँ सिरात मुस्तकीम अल्लाह माफ़ करे मतलब शायद यही समझा जाता है, बेईमानी, दो नंबरी, चोरी चकारी, झूठ, फ्रॉड, ये जिसको आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस बात की सज़ा मिल रही है कि वो सिरात मुस्तकीम पर मुल्क को चला रहे थे। ये मुल्क को चला रहे थे आप, और आप आज भी इनकरेज कर रहे हैं, आप पेट्रोनाइज कर रहे हैं दो नंबरी का। मुशाहिद उल्लाह साहब रहम फरमाइए। खैर छोड़ें साहब,